हेलो एवरीवन, आइए मिलते हैं आज एक ऐसे पेशेंट से जो 20 साल के हैं और उनको डायबिटीज की वजह से अंधापन आ गया था। मेरा नाम सतीश है। मेरी आंख के पर्दे के आगे खून आया हुआ था जिसके द्वारा बिल्कुल भी चमकता नहीं था। मैं गया मेरे डॉक्टर सीरिया के पास। उन्होंने सर्जरी के द्वारा रोशनी आने का प्रयास करा, जिसके द्वारा आज मुझे कम से कम 30-35 मीटर तक का दिखता है। पहले मुझको 3 मीटर का दिखाई देता था। मेरा उनके साथ काफी अच्छा अनुभव रहा है। वो किसी को इस परेशानी से छुटकारा पाना है तो डॉक्टर सीरिया के से संपर्क करें। आपने सुना कि इस पेशेंट ने बोला कि उनको एकदम से दिखना बंद हो गया था और ये डायबिटिक है। ये बचपन वाली डायबिटीज थी, इनको टाइप 1 डायबिटीज थी, जिसमें कि डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत अग्रेसिवली आती है। मतलब जो हमारे पर्दे की शुगर की बीमारी है वो बहुत ज्यादा सिवियर तौर से आती है। तो इस बच्चे को कुछ खबर नहीं थी कि उसकी आंखों में ऐसी कोई बीमारी हो रही है। वो डायबिटीज के लिए दवाई खाते थे, डायबिटीज कंट्रोल में था, उसके बावजूद आंखों में प्रॉब्लम आई। तो इट्स अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन कि जिनको शुगर बहुत सालों से है या फिर शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, सिर्फ उन्हीं को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। बट ऐसी बात नहीं है, डायबिटिक रेटिनोपैथी किसी को भी हो सकती है। जेनेटिक्स प्लेज अ मेजर पार्ट। कई लोगों के जीन्स ऐसे होते हैं जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी ज्यादा होती है, कई लोगों के कुछ टेंडेंसीज होती हैं, बीपी होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो प्लीज अपनी आंखें चेक कराइए। नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस पेशेंट। ही वाज अ 20 ईयर ओल्ड, जो कि दोनों आंखों में उसको प्रॉब्लम हो रही थी, बट एक आंख में एकदम से ब्लाइंडनेस हो गई। फ्रॉम गुड विजन ही वेंट टू हैंड मूवमेंट विजन, मतलब सिर्फ हाथ हिलता हुआ दिख रहा था उसको एक आंख से और कुछ नहीं दिख रहा था। तो जब मैंने टेस्ट करा, ये देखा कि आंख के पर्दे के आगे खून आ गया है, विट्रियस हेमरेज हो गया है। अब इसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट होता है, या फिर तो हम वेट करें, देखें कि विट्रियस हेमरेज अपने आप रिजॉल्व हो गया। पर अगर पीछे लेजर रेटिना नहीं है, अगर सिकाई नहीं हुई हुई है, तो फिर हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो हमने इसका विट्रेक्टमी सर्जरी करा एंड द रिजल्ट्स वर अमेजिंग। दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी पेशेंट। दिस पेशेंट वॉज लकी कि उसके रेटिना का हाल ठीक था और ऑपरेशन के बाद उसकी रोशनी अच्छी आ गई। बट वी हैव सीन सम पेशेंट्स जिसमें कि रेटिना की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। हम हेमरेज निकालते हैं, हम ब्लीडिंग को निकालते हैं और देखते हैं कि पर्दा पीछे बिल्कुल सूखा हुआ है। तो ऐसे केसेस में कई बार सर्जरी के बाद भी रोशनी अच्छी नहीं आती है, धुंधली सी नजर रहेगी या कई पेशेंट्स में तो आती भी नहीं। सो वॉट कैन यू डू टू प्रिवेंट दिस, टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस फ्रॉम डायबिटीज? आपको अपना अर्ली चेकअप कराना है। अर्ली चेकअप का मतलब जल्द से जल्द, जिस दिन आपको डायबिटीज डायग्नोज हुआ उसके विद इन 6 months to 1 year प्लीज अपना रेटिनास चेक कराइए। क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने सालों से आपको डायबिटीज था या फिर आपके डायबिटीज ने आईज परफेक्ट करा है कि नहीं। अब कई बार पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे तो रिश्तेदार ने हमें बोला कि आंख में कोई परेशानी नहीं है तो फालतू के ट्रीटमेंट मत कराओ। लेकिन बात यह समझने की है कि जब डायबिटिक रेटिनोपैथी आंखों पर अटैक करता है, उसका पहला चीज सिम्टम लाना नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन अटैक हुआ उस दिन आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। उसके 1-2 साल बाद धुंधला दिखना शुरू होता है, या फिर पर्दे की सूजन की वजह से या फिर खून आने की वजह से। तो वो जो हमारे पास पीरियड है कि जब डायबिटीज ने अटैक किया, तब तक जब तक आपका सिम्टम आया, वो जो विंडो पीरियड है वो आइडियल टाइम है ट्रीटमेंट के लिए। एक बार सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इंजेक्शन लगाओ, लेजर करो, कुछ भी करो, तो वो बात नहीं आ पाती जैसे पहले थी। तो जो विंडो पीरियड है जिसमें आपका डायबिटीज ने आंखों पे अटैक किया टिल जो आपको पहला सिम्टम आया, तो उस टाइम पे ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। आपको तो पता चलेगा नहीं क्योंकि आपको तो कोई सिम्टम नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि प्लीज अपने शुगर के पेशेंट्स को बोले कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग करें। आजकल हमारे सेंटर में तो सिर्फ 5 से 10 मिनट लगता है क्योंकि हमारे पास अनडायलेटेड फंडस फोटोग्राफी की मशीन आ गई है, जो कि बिना पुतली फैलाए, बिना ड्रॉप डलवाए आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग हो सकती है। अगर उस स्क्रीनिंग में हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम आई है तो आगे टेस्ट होंगे, डायलेट भी किया जाएगा। बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू आर फ्री फॉर द डे।
आपको अब एक दिन नहीं निकालना अपनी आंखों के पर्दे के चेकअप के लिए, सिर्फ कुछ टाइम निकालना है जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं। ये चीज अगर आप ईयरली कराएं तो मेरी गारंटी है कि आपकी नजर बनी रहेगी, ठीक रहेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मुझे टेस्ट भी नहीं कराना, कुछ नहीं कराना, लेकिन जब आप सिम्टम्स के साथ आएंगे तब बहुत बार डॉक्टर्स आपकी पूरी पूरी मदद नहीं कर पाते। तो प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू योर डॉक्टर्स एंड गेट योर आईज चेक। थैंक यू।